हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं आपको बता दूं, पबजी मोबाइल इंडिया को क्यों वापस लाया जा रहा है इंडिया में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पबजी मोबाइल इंडिया की पॉपुलैरिटी जो है भारत में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पबजी मोबाइल इंडिया की है। बहुत सारे लोग खेला करते थे पबजी मोबाइल इंडिया, लेकिन जब बैन हो गया उसके बाद भी कुछ लोग नहीं माने, वीपीएन वगैरह कनेक्ट करके भी खेला करते थे। शायद उनमें से आप एक हो सकते हो। और पबजी मोबाइल इंडिया की जो इनकम थी मंथली, ना सुन के आप हैरान हो जाओगे, एक महीने में वो 52 से 53 करोड़ रुपए इंडिया से कमाया करता था पबजी मोबाइल इंडिया। और 30 से 65 मिलियन यूजर ना पर डे एक्टिव हुआ करते थे पबजी मोबाइल इंडिया पे। मतलब इतने सारे लोग खेला करते थे, है ना सरप्राइजिंग। मतलब इतना बड़ा क्रेज था पबजी मोबाइल इंडिया का। लेकिन जब ये आ रहा है बैटल ग्राउंड इंडिया, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन क्यों लाना पड़ रहा है? सोचो, जब 52 से 53 करोड़ रुपए जब पबजी मोबाइल इंडिया कमा रही है, तो गवर्नमेंट को एक इसका बहुत बड़ा रकम जो है वो टैक्स के रूप में मिलता है। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है गवर्नमेंट का भी। और साथ ही साथ जब कोई कंपनी हमारे भारत में आकर के निवेश करती है, कोई ऐप वगैरह या कुछ भी लॉन्च करती है, वो हमारे यहाँ काफी सारी फैक्ट्रियां सर्वर वगैरह बैठाते हैं, उसके लिए काफी सारे वर्कर चाहिए होते हैं, तो हमारे यहाँ के काफी लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलता है। इससे हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही मेन कारण है पबजी मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च करने का। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।